अपडेट सहित मु निवेदिता आरंभ करबा बुलेटिन प्रथमे हेडलाइंस केन्द्रापड़ा नाबालिका वीडियो वायरल घटना तीन अभियुक्त को गिरफ्त कला पुलिस एवं भी दुई आसामी मिलूनी पत्ता डेंगू पाई केते खर्च कर हिसाब दियो राज्य में व्यापुवा डेंगू को नहीं सरकार को उपरे बर्षिला कांग्रेस नगर उन्नयन विभाग अपारगता को नहीं उठाला प्रश्न केते थर के अंचल में मशादुआ गाड़ी बुलाई जाइछि मागिला हिसाब वासिला बस अल्पके बढ़ते जात्री संबलपुर कुचिंडा पिंडापथर पंचायत निकट अघटन ब्रिज खंबे लगिव टा बड़ दुर्घटना पोल उपर प्रवाहित होनि फुट हाइकोर्टर समस्त शुणी सीधा प्रसारण प्रकाश पाला विधिवत विज्ञप्ति कोर्टर वेबसाइट किंवा केस तालिकार उल्लेख रिंक विचारपति चाहिए बंद करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग शुणिलानी प्रशासन रास्ता बराबरी अंटा भिड़िले कुनि कुनि पिला सीमेंट बाली पकाई करिले रास्ता भद्रक आदिवासी कॉलोनी ठू बगमरा गांव को संयोग रास्ता को कले समतल पुरी जिले रास्ता नारे 78 कोटी टंकार केलेंकारी केबे हेबो दुर्नीतिग्रस्तों विरोध में कार्यानुष्ठान कला तालिकाभुक्त ठिकादार को किए दे सुरक्षा काहेकि चुप जिला प्रशासन उठिला प्रश्न आज नुआ जातीय शिक्षा नीतिर वर्ष पूर्ति देशर नीति निर्धारक छात्र और शिक्षकों संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री सेबे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रतिक्रिया भारत को ज्ञान आधारित अर्थनीति में परिणत कर नुआ नीति वर्तमान समय जहां बड़ खबर आँचुची वरिष्ठ आईएएस स्तर में अदल बदल कर राज्य सरकार अशोक मीना हेले पंचायतीराज और पानी जल विभाग प्रमुख सचिव आईएएस विशाल देव हेले अर्थ विभाग प्रमुख सचिव डीके सिंह को इस्पात और खणि विभाग प्रमुख सचिव दायित्व तो, सुरेन्द्र कुमार को साधारण प्रशासन विभाग प्रमुख सचिव दायित्व तो दिखाई सुरेन्द्र कुमार को पर्यटन विभाग प्रमुख सचिव भाव अतिरिक्त दायित्व दिखाई मुख्यमंत्री स्वतंत्र सचिव आर विनिल कृष्णा को अतिरिक्त दायित्व क्रीड़ा और युव व्यापार विभाग दायित्व नेले आर विनिल कृष्णा तेज वरिष्ठ आईएएस स्तर में अदल बदल कर राज्य सरकार अशोक मीना हेले पंचायतीराज और पानी जल विभाग प्रमुख सचिव आईएएस विशाल देव हेले अर्थ विभाग प्रमुख सचिव डीके सिंह को इस्पात और खणि विभाग प्रमुख सचिव दायित्व सुरेन्द्र कुमार को साधारण प्रशासन विभाग प्रमुख सचिव दायित्व सुरेन्द्र कुमार को पर्यटन विभाग प्रमुख सचिव भाव अतिरिक्त दायित्व दिखाई मुख्यमंत्री स्वतंत्र सचिव आर विनिल कृष्णा को अतिरिक्त दायित्व मिले दिव्यज्योति महांती भुवनेश्वर प्रतिनिधि ए बाबद आलोचना आम सहित फोनलाइन जोड़ दिव्य वरिष्ठ आईएएस स्तर में बड़ अदल बदल कर राज्य सरकार क्या दायित्व दि जा देखु नवेदन समय राज्य सरकार आज वरिष्ठ आईपीएस सरी वरिष्ठ आईएएस स्तर में गोटे बड़ अदल बदल कर आज साधारण प्रशासन विभाग पक्ष विज्ञप्ति प्रकाश पाई जो थे आप देखिए ये रही अर्थ विभाग प्रमुख शासन सचिव जी वर्तमान रही नुआ भाव निजुक्ति पाई विशाल देव को नुआ भाव निजुक्ति दिखाई प्रमुख शासन सचिव से होती अर्थ विभाग पूर्व अशोक मीना यही दायित्व रही से दीर्घ दिन धरी यही दायित्व तुलाऊ देखिए विशाल देव जी रही टूरिज्म स्पोर्ट्स रे रही है वर्तमान फाइनेंस डिपार्टमेंट दायित्व अर्थात अर्थ विभाग दायित्व विशाल देव सरी हाँ विशाल देव तुलाइए से भाई आप देखिए डीके सिंह जहां नहीं सब अधिक विवाद था पंचायत राज पानी जल विभाग में अधिक विवाद घेर को आसने डीके सिंह वर्तमान चेंज कराऊँगी कौटि की आप देखिए स्टील एंड माइन्स कोई से दायित्व संभाले स्टील एंड माइन्स रही सुरेन्द्र कुमार जी रही स्टील एंड माइन्स अणा कौटि की ना जीए अर्थात जो रही साधारण प्रशासन विभाग से अणा होता एडिशनल चार्ज दिहन देखिए एडिशनल चार्ज दिहुच टूरिज्म डिपार्टमेंट एडिशनल चार्ज दिखाई तेणु आर विनिक कृष्णा जी रही स्पेशल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर देखिए आप स्पोर्ट्स एंड यू सर्विस दायित्व दिखाई निहती भाव में यह गोटे बड़ अदल बदल कितु कहीं अदल बदल प्रथम देखू अशोक मीना कथा आप देखो अशोक मीना अर्थ विभाग जो भाई भाव में कार्यकला बद ऋण यार भितर बढ़ी चलता पाखापाखि लक्षे एक लक्ष हजार कोटी टाइम ऋण हो सारी
ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଭାର ରାଜ୍ୟର ବଢି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେ ଭୂମିକା ରହିବା କଥା ତାକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିନଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବିବାଦରେ ଥିଲେ ବିରୋଧୀ ବାରମ୍ବାର ଘେରୁଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ସଠିକ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାହଉଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଶାଲ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କଥା ଆସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହକି ଆସିଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହକି କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଥିଲେ ଏଠି ବଡ ବଡ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି ସମୟରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ହକି ହେଉ ବା ଯେଉଁ ସବୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯେଉଁ ସବୁ ଖେଳର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଠି ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହେଇଥିଲା ଅର୍ଥର ହେରଫେର ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାହା ଜୋର ଧରିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଡିକେ ସିଂ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ସବୁଠୁ ବିବାଦୀୟ ବିଭାଗ ଥିଲା ଏବଂ ଡିକେ ସିଂ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପକ୍କା ଘରଠୁ ଆବାସ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ବିବାଦକୁ ସିଧାସଳଖ ଡିକେ ସିଂ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବଦଳି କରାହଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ବିବାଦକୁ ସେ ଆସିନଥିଲେ ତଥାପି ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାହଉଛି ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସଠିକ ପଡୁନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳି କରାହଉଥିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆର୍ ଭେନୁକ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆର୍ ଭେନୁକ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ ର ଚାର୍ଜ ଦିଆଯାଇଛି ଯେହେତୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ ସର୍ଭିସ୍ ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଏମାନେ ଆଗକୁ କିଭଳି ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସବୁଠୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବିଶାଲ ଦେବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ କିଭଳି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଉପରେ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଥାଏ କିଭଳି ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ହେବ କରୋନା ସମୟ ରହିଛି ଆର୍ଥିକ ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡି ପଡୁଛି ଏହି ସମୟରେ କିଭଳି ଯୋଉ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଜାଡିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟବରାଦ କରିବେ ନୂଆ ଯୋଜନାରେ କିଭଳି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବରାଦ ହେବ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କିଭଳି ଏବଂ ପୁରୁଣା ଯୋଜନା ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ପୂର୍ବଭଳି ବଜାୟ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେସବୁ ଦିଗରେ ବିଶାଲ ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଅଶୋକ ମୀନା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜସଙ୍ଗା ଯୋଉ ରହିଛି ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ଯେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ସମସ୍ତେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପାରିବେ ତ ସେ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 70% ତଳେ ରହିଛେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଭଳି ପୂରଣ ହେବ 2022-24 ସୁଦ୍ଧା ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଅଶୋକ ମୀନାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପକ୍କା ଘର ସବୁଠୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ପକ୍କା ଘରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବିରୋଧୀଙ୍କର ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଦ ପଡିଯାଉଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯିବ କିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ରହିବ ଏକଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାର ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ଅଶୋକ ମୀନା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଡିକେ ସିଂଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ଗୁଡିଏ ଭୂମିକା ରହିଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ ର କିଭଳି ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା କରାଯିବ ଯେଉଁ ସବୁ ଖଣି ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ସୁପରିଚାଳନା କରାଯିବ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଭଳି ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆସିପାରିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ସେ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ସେଭଳି ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କଥା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଟୁରିଜିମ୍ର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପକ ଦିଗ ରହିଛି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାର ଟୁରିଜିମ୍କୁ ଅଧିକ କିଭଳି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନିହାତି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କାରଣ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟର ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବେ ଅନେକ ଟୁରିଜିମ୍ ସ୍ପଟ କିଭଳି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ତାର କିଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ ସେଠିକି କିଭଳି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇପାରିବ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିବ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଏବଂ ଭିନ୍ନ କୃଷ୍ଣା କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟୁଥ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ ୟୁଥ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଭିତରେ ବଡ ବଡ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବା ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ କ୍ରିଷ୍ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସବୁ ଦିଗରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ 5 ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ବିଭାଗରେ ପଡି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାହଉଛି ଏବଂ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦରେ ରହିଥିଲେ ବିବାଦରେ ରହିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏହା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକେତ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଉଛି ଆଗକୁ ହୁଏତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯାଇଥିବାର ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନିବେଦିତା ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ରହିବ କେମିତି ଏହାକୁ ସଠିକ ରୂପେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର IAS ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କିଏ କେମିତି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସିଧାସଳଖ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ
परवर्ती खबर को कटक एसीबी मेडिकल पहुंचला समस्त 9 इक्मो मशीन अगस्त 15 मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन 15 तारीख रु बड़ मेडिकल इक्मो मशीन हेबो कार्यक्षम टेक्निकल टीम नर्स को कोलकाता को ट्रेनिंग पाई पठा जाएगी एसीबी जरूरीकालीन अधिकारी एने सूचना देखते एक बड़ खबर आसूसी कटक एसीबी मेडिकल पहुंचला समस्त 9 इक्मो मशीन अगस्त 15 मुख्यमंत्री यार उद्घाटन करेंगे 15 तारीख रु बड़ मेडिकल इक्मो मशीन हेबो कार्यक्षम टेक्निकल टीम नर्स को कोलकाता को ट्रेनिंग पाई मध्य पठा जाएगी एसीबी जरूरीकालीन अधिकारी एने सूचना देखते विश्वजित दास कटक प्रतिनिधि फोन लाइन बाबद आलोचना जोड़ी विश्वजित इक्मो मशीन जथेष आवश्यकता रही बहुत कल्पना जल्पना पर इक्मो मशीन आसी पहुंची सारी केवे कार्यक्रम हम कह अगस्ट 15 ही मुख्यमंत्री यार उद्घाटन करेंगे देखो जो जो अपेक्षा था जो कटक एसीबी को आसो नट इक्मो मशीन तार समस्त मशीन आज कटक एसीबी मेडिकल पहुंची सारी अगस्त 15 तारीख ठू विधिवत भाव मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे तापर ये कार्यक्रम हम कितु बड़ कथा आप जानते राज्य में इक्मो मशीन बहुत आवश्यकता था आप जानते गोटे गोटे इक्मो मशीन जिते बड़े लोक ट्रिटमेंट रोगी ट्रिटमेंट हाँ हाइदराबाद कोलकाता और चेन्नई को एयरलिफ्ट करा जाता है लक्ष लक्ष टा खर्च करा जाता है जदि एसीबी यह उपलब्ध हम निश्चित भाव राज्य में गोटे भल खबर और जो रोगी मैंने साधारण रोगी हूँ बा जो इक्मोर आवश्यकता जो मैंने से उपकृत होपारे और मागणारे यहाँ समस्त चिकित्सा करा जरूरी अधिकारी भुवनानंद महाराणा सूचना दूसरे ये समस्त जो मेसीन रही खूब शीघ्र इनस्टलेसन करो जो टेक्निकल टीम कथा कहतु नर्स कथा कहतु पशु जिनिष कथा कहतु आनाथिस्ता विभाग डॉक्टर मैंने आसूँ सब विभाग डॉक्टर मानों को कोलकाता पठा जाए से ट्रेनिंग अच्छा खूब शीघ्र से 15 तारीख भितर ट्रेनिंग सारे एसीबी को फेरि और से आवश्यक पड़े अधिक नट मेसीन आवश्यक पड़े अधिक लोक मैन पावर आवश्यक है तो निश्चित भाव समस्त जोगाई दी जाए जो लोक आवश्यक टेक्निकल टीम कथा कहतु डॉक्टर कथा कहतु नर्स कथा कहूँ जैसे कि टीम आवश्यक से सब कहते आगे जोगाई दी जाए जरूरकालीन अधिकारी सूचना देते बड़ कथा होती जिते अगस्त 15 मुख्यमंत्री यहाँ उद्घाटन करेंगे तापर यह विधिवत भाव कार्यक्रम हम निहांती भाव में अपेक्षा अगस्त 15 को जिते यार उद्घाटन होती जो कल्पना जल्पना लगी रही आज यार अंत घटी कटक एसीबी में पहुंची सारी 9 इक्मो मशीन अगस्ट 15 मुख्यमंत्री यार उद्घाटन करेंगे 15 तारीख रु बड़ मेडिकल इक्मो मशीन कार्यक्रम हम बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजित दास कटक प्रतिनिधि बाबद आम सहित सविशेष आलोचना करते पूरी बेलाभूमि ओटीडीसी तथा ओडिशा पर्यटन उन्नयन निगम पक्षर पर्यटकों पर मद्यपान व्यवस्था जहां बीच साक्स नाम खोल योजना थिबा बेले गोआ भली पूरी बीच रे व्यवस्था करने ओटीडीसी प्रस्तुति आरंभ करिछि एने ऑनलाइन आवेदन आरंभ हो सारिथवा बेले आसंता काली ए आवेदन शेष दिन रही अन्यपटे विश्व आध्यात्मिक नगरी में ओटीडीसी पर्यटन विकास ना मद प्रसार योजना को कड़ा विरोध करिसंती पुरीर विभिन्न संगठन एभली योजना को जमा भी पुरी सरर कराई दियाजिब नाही बोली विभिन्न संगठन कहिसंती एने 25 रो अधिक संगठन एकाठी होइथिबा बेले एने आज पुरी जिलापाल को भेटी ए योजना बंद करबा पई दाबी करा जाइथिला सेपटे जगतगुरु शंकराचार्य को विभिन्न संगठन भेटी ए विषय रे आलोचना करिसंती पूरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आम सहित जोड़ी बाबद आलोचना करवा आलोक गोआरे गोआ बीच रे सब मदर व्यवस्था थाए आम जानते पूरी भाई ऐतिह्य सहर पूरी गोटे अलग ख्याति रही पूरा विश्व में यारे मध्य मदर व्यवस्था करीच या कौन प्रतिक्रिया सब सासुच्छी शंकराचार्य प्रतिक्रिया रखुं जहाँ कथ कह निहाती भाव में निवेदित आप जानते राज्य पर्यटन निगम तरफर पूरी कोणार्क मेराइन ड्राइव रोड जो बेलाभूमि अच्छी से बेलाभूमि मदर आसर जमीब और मद बार करा जीवा बोली टेंडर प्रकाश पाई और टेंडर आसंता खाली होती शेष तारीख जहाँ को लेकिन सबुरी स्तर में विक्षोभ देखाई जो मिलित ओडिशा निशा निवारण अभियान जो सदस्य मैंने अच्छा संगठन मैंने अच्छा से प्राथमिक पर्यायर पूरी जिलापा सहित विस्तृत आलोचना कले दाबीपत्र आज जगतगुरु शंकराचार्य को देखाई कि दाबीपत्र जनइले जगतगुरु शंकराचार्य सीधासल क्षोभ प्रकाश करते जेहेतु पूरी हूँ तीर्थस्थल यहाँ कौन मात्र भोगस्थल करने दिजाव नहीं आम सविशेष आलोचना करवा संगठन कि सदस्य आम सहित जोड़ जगतगुरु शंकराचार्य क्षोभ प्रकाश कले कारण राज्य सरकार जगतगुरु शंकराचार्य संवेदनशील प्रसंग उपर मतामत नहीं जाती अंपटे हूँ पूरी हूँ आध्यात्मिक स्थल पूरी हूँ तीर्थस्थल यहाँ कौन क्षेत्र में
भोगस्थल करने को दिजाने आपने प्राथमिक पर्यायर जिलापा सहित आलोचना कले आज जगतगुरु शंकराचार्य सहित आलोचना कले जगतगुरु शंकराचार्य कौन मतामत रखिले दुटा जगह कहूँ आपन को आज सौभाग्यक्रमे पूरी प्राय 50 अनुष्ठान पूरी और पूरी पाख पूरी जिला सारा ओडिशा भारत किसी अनुष्ठान मिसिकी सरकार को गोटे दाबीपत्र दे जो छा बेलाभूमि सरकार चाहते किसी नग्न नृत्य सह खोला मद बिके और टूरीजम ना लोक बड़ कष्ट नष्ट सबू करदे आम संस्कृति और सभ्यता ताऊपर कलेक्टर महोदय ग्रहण कले आशा कर सरकार पहुँचे और कथा हे द्वितीय लगला आमको शंकराचार्य महोदय पाखक आम आसलु कारण से आम संस्कृति और धार्मिक परंपरार श्रेष्ठत्व बोली प्रमाण कराए लोक समस्ते सारा भारत पृथ्वी से जो भी हिंदू मैंने अच्छा समस्त भल पाती सम्मान दिखती सम्मान सह ग्रहण करती शंकराचार्य महाशय स्पष्ट कहले विषय पचर जाए ना बेलाभूमि पूजा से करी धार्मिक क्षेत्र श्रेष्ठ से ठाकुर पूजा सांगे सब जगह संश्लिष्ट आम संस्कृति आम सभ्यता को रखापी कि पचर जाए स्पष्ट मत पचर गला आप कौन चाहते से एवं क्षोभर सह प्रकाश कले बर ए सरकार चली जाइपे कितु पूरी बेलाभूमि कौन जगह धार्मिक क्षेत्र को आम मद खराब आसर करने को दबुना आलोचना करवा निवेदित आज्ञा कम देखुं संवेदनशील प्रसंग रही है पूरी हूँ गोटे आध्यात्मिक राजधानी एठार आम कहींपर मद खोल मदर आसर जमी गोआ स्टाइल सब अश्लील नृत्य हम आपको आज कमी देखुं देखु गोआ समुद्रकूल बोली कह जाए कि पूरी समुद्रकूल को पूरी समुद्रकूल कह जाए ना महोदधी कह जाए ये हूँ तीर्थक्षेत्र ये तीर्थक्षेत्र समुदाय हिंदू जाति आसतु बा पर्यटक मैंने आसतु से मैंने आसती एटी गोटे आध्यात्मिक स्पर्श पाइबापी एटी गोटे संस्कृतिर अनुभव नापी तो ताकू आम चाहते प्रमोट कर पारिथे सरकार चाहते आम संस्कृति आम धार्मिक अनुष्ठान एवं आमर जो चिंताधारा भावधारा अच्छी ये सब कुछ प्रमोट कर पारिथे कि सरकार चाहिए जमी मद अनल बिकले सेमती मदटा मद साक्स बीच साक्स खोलवापी स्थिर कले पुणी एक रहा गोआ भली हम गोआ भली कहीं हम निश्चित निवेदित सबुरी स्थल स्तर में यह विरोध करपटे जगतगुरु शंकराचार्य क्षोभ प्रकाश करते आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग हो श्रीमंदिर खोलिया को नहीं जो आसंता अगस्ट 4 तारीख में मीटिंग रही जिलापा अध्यक्षतार श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अध्यक्षतार नहीं जगतगुरु शंकराचार्य क्षोभ प्रकाश करते कारण जगतगुरु सीधासलख कहते कौन प्रशासनिक अधिकारी हो श्रीमंदिर प्रशासन हो राज्य सरकार हो श्रीमंदिर खोलिया कौन मतामत नहीं ना प्रत्येक क्षेत्र में जगतगुरु को अणदेखा कराई सुप्रीमकोर्ट कितु निवेदिता निर्देश रही श्रीमंदिर प्रत्येक प्रसंग में जगतगुरु शंकराचार्य को प्राधान्य देवा कथा कि सीधासल श्रीमंदिर प्रशासन हो राज्य सरकार हूँ जगतगुरु को अणदेखा कर निश्चित भाव में दुई दुईट संवेदनशील प्रसंग उपर जगतगुरु क्षोभ प्रकाश करते कि मुख्य प्रसंग रही पूरी कोणार्क मेराइन ड्राइव रोड जो बेलाभूमि अच्छी से बेलाभूमि में मद दोकान गोआ स्टाइल बार कर टेंडर प्रकाश कराई आपको जगतगुरु क्षोभ प्रकाश करतेक संगठन या विरोध देखते अर्थात कहुपे आलोक ये घटना को नहीं विभिन्न महल असंतोष निवे लगी कौटिना कौटि यह सब को कहीं भी समर्थन करूना बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आशुतोष पूरी प्रतिनिधि आमको सदासक बाबद सूचना देते केन्द्रापड़ा नाबालिका वीडियो वायरल घटना रे तीन अभियुक्त गिरफ्त तेज घटनार मुख्य अभियुक्त एवं भी फेरार रही नाबालिका वीडियो विदेश में वायरल होता पाकिस्तान बांग्लादेश में वायरल होता वीडियो वायरल घटना पर नाबालिका जनक बारंबार पुलिस पाखे अभियोग करते न्याय पाइन खबर प्रसारण पर पुलिस कार्यानुष्ठान ग्रहण करु एवं फेरार रही मुख्य आसामी आउ जणे जे पोस्ट करथला सालेपुर रो बेहरा प्रदीप देवदत्त बेहरा तीन जन को अरेस्ट कराई छी आज आमे तांको कोर्ट चालान करिवु आउ जो स्वामी स्त्री दुई जन जे तांको पड़ोसी पीड़ितन पड़ोसी तांको खोजा चली छी आमे आशा करू छी बहुत शीघ्र आमे तांको गिरफ करी कोर्ट चालान करिवु नायक को धरिया को पड़ो बोलिक आम केसटा चपाई देवा चेस्टा करा अढ़ाई मस दौड़ापर आमको अर्गस न्यूज को धन्यवाद देवी गणमाध्यम प्रेसर पकेबार पुलिस आक्शन मोड को आमित मिलन आउ तार भाई मुलायम को कलिकतारु नहीं आस नंबर बाहरी जहाँ ना ताक भी नहीं आसना कौन मुझे जानी बाकी रहा स्मिता आज एसबू जहाँ पाई जे प्ररचना जहाँ प्ररचना जहाँ साहस बाहर आसिक साहस कले भाइराल करने धरिया आमर दाबी आज्ञा मुख्य अभियुक्त आम पड़ोसी स्मिता नायक आउ संदीप नायक
से माने बेंगली मिस्त्री द्वारा ये करेइछंती आम बिवादी हेतु तो एपर्यंत सी गिरफ हो ना सार कहते सी फेरार हो जाइंट तो आम दाबी है कि सी गिरफ कर जल्दी रु जल्दी ठिका संस्थार दादागिरी दुईजण सफेई कर्मचारी भुजाली रे आक्रमण आक्रमणर शिकार होता सफेई कर्मचारी हेले मनोज डुंगुरी और दीनबंधु कलेत तेरे गुरुतर अवस्था सेमानंकु बेमसार रे भर्ती कराई काम नहीं ठिका संस्था गतकाली अलग स्वीपर आनी काम कराउथिबा देखि आंदोलनरत स्वीपर काम करबाकु मना करि देथिले याकु नै उभय पक्ष मध्ये पाटीतुंड होइतिला गतकाली रातिरे काम करथिबा स्वीपर क बथिरु जणे आंदोलनरत स्वीपर को आंदोलन स्थल को नजबा पई धमक देथिले याकु नै आंदोलनरत स्वीपर माने गतकाली थाना रे एतला देथिले या परे पुणी आज काम करथिबा स्वीपर आंदोलनरत दुई जण स्वीपर को भुजाली रे आक्रमण करथिबा जणा पडिछि सेबडे विश्वजीत कुंभार को गतकाली विलंबित रातिरे बंदूक देखा जीवन रु मारिदे धमक दि जाइबा अभियोग होइछि खाली राति आरंभ कर नयन पटेल और संजीव पंडा बाबू से कुख्यात गुंडा मानक डकई आमर मेहतर मेहतराणी जेन मैंने चाकरी करत्मघाती आक्रमण कर राज्य में व्यापुवा डेंगू को नहीं सरकारों पर बर्षिला कांग्रेस सांबादिक सम्मेलन मध्यम नगर उन्नयन विभाग अपारगता को नहीं प्रश्न कर दल ओडिशार स्वास्थ्य सेवा विपर्यस्त कोरोनार कराल रही एपर्यंत जाएनी समय डेंगू एक महाविपत्ति भसला हजार हजार डेंगू रोगी चिन्हट हेले आगु ओडिशा डेंगू केबे देखा जा नथिला नगर उन्नयन मंत्री एक हत्या मामलारु निज नाम को काटिबापाई सबु प्रकार उद्यम करुछंती हेले नगर उन्नयन डेंगू मुकाबला किभळि हेबो ताकु नै चिंता करुनांती राज्य नगर उन्नयन विभाग हिसाब देखांतु जे केते थरो केउ अंचल रे मस्ता धुआं गाडी बुलाइछंती परांचल रे जनप्रतिनिधि माने दीर्घ दिन धरि नथिबारु आज एभळि अवस्था बोली अभिजोग आणिछि कांग्रेस बहु आगरु सुनुथिले दिल्ली रे डेंगू होउछि सुरत रे डेंगू होउछि एवं अन्यन जगह रे डेंगू होउछि ओडिशा रे डेंगू रो ना गंध नथला एवं ओडिशा रे वर्तमान डेंगू गोटे भयर वातावरण सृष्टि करिछि जदि अर्बन मंत्री निजे निजर नाटा को काटिबा पई मर्डर केस रो निजर नाटा को काटिबा को से व्यस्त पुलिस रो हाथ गोड़ धरिकी निजे नाटा को केमती काटिबे सेथिबाय व्यस्त किंतु केमिति डेंगू मुकाबला हम केमती अर्बन लोकल बडीज डेंगू मुकाबला करिबे सेथिपाय निर्दिष्ट कोनोसी डायरेक्शन अर्बन विभाग रो नाही स्वास्थ्य विभाग मध्ये हाथ टेकी दैछि यार कारण होला गोटे डेंगू रो स्पेशलाइज वार्ड जोटा कैपिटल हॉस्पिटल जोटा भुवनेश्वर ओडिशा रो कैपिटल सिटी सेठी मध्ये गोटे स्पेशलाइज वार्ड आज पर्यंत संपूर्ण हो पारि नाही बोली आमर तथ्य कहूँ एवं मीडिया फ्रेंड्स माने मध्ये ताकु ये करुचंती कुआकुई होउचंती से संपर्क पोलोपरे भासिला बस अल्पके बर्ती कले यात्री तीन दिन धरी लगाण वर्षा जो संबलपुर कोचिंडा उपखंड बामरा ब्लक विभिन्न नदी में जलस्तर बढ़िबारे लगी जलस्तर बढ़िबारु पिंडापत्थर पंचायत दे जाइथिबा नदी एक पोल उपरे तीन फुट उच्चर पानी प्रवाहित होता इस समय से ही पोल उपरे एक बस अतिक्रम करुवा बेले अधिक पानी जो पोल मझे अटकी जाता किंतु सौभाग्यवशत बस टी तल को न खसी पार्श्वे एक खोबरे लग अटकी रही आखपाखे ग्रामवासी साहस देखा बस यात्री मान सुरक्षित भाव उद्धार करते एक जेसीपी सहायत बस टी उधार कर राज्य में गत 24 घंटा मध्य 1615 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती या मिसाई राज्य में मोट कोरोना संक्रमितों संख्या 974132 पहुंची तेज आज चिन्हट होता संक्रमितों 937 जन क्वारंटीन होता बेले 678 जन लोकाल केस रही चिन्हट संक्रमितों खोर्धार सर्वाधिक 442 जन चिन्हट होता बेले कटक 229 जन संक्रमित चिन्हट होती पुणी 65 जन कोरोना आक्रांत प्राण हर मिसाई राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 5768 को वृद्धि पाई मृतकों मध्य सर्वाधिक खोर्धा जिलूर 9 जन रही बेले बरगड़ जिलूर 7 जन रही सुंदरगढ़ जिलूर 6 जन रही बेले संबलपुर झारसुगुड़ा जिलूर 5 जन लेखाएं रही अनुगुण बलांगीर कटक गंजाम जाजपुर पुरी जिलूर 3 जन लेखाएं रही कोरोना संक्रमण
नहीं डीएमटी सीबीके महांती प्रतिक्रिया कोरोना संक्रमण कमी किंतु जिते पर आशा करते कमी संक्रमण ओडिशा एवं 1600-1700 स्थिर रही दैनिक संक्रमण खासकर कटक और खोर्धा जिले में संक्रमण तीन अंक तौक आसुनी तेणुठे संपूर्ण अनलॉक करिबार संभावना कम रहुची स्थिति समय संक्रमण परिस्थिति को अनुधान करी अनलॉक निष्पत्ति नियाजिबो बोली से कहिसंती अभी वर्तमान आपातत स्थिर अछि वर्तमान जेहेतु सामान्य कोहल हैछि लोकमानकर चालीचलन कोहलता देखा जाइछि आमे जो बढ़िबो बोली भाबुथिले अंतत से दृष्टि माने सौभाग्य दृष्टि आम राज्य रे सेभली स्थिति हेइ नाहि गत जून जुलाई मास रे महाराष्ट्र रे तीन पर्यायर केते देले मध्यप्रदेश रे केते देले से एकाथर दिने दिने रिलीज करचंती किंतु आपण जानिचंते ऑडिटटा मान अति ऑडिट कला बळे गुडाय सावधानता अवलंबन करिया को पडिवो कारण लोक कोविड जोगु डेथ हेई पारे कोविड थाई कि अन्न जोगु डेथ हेई पारे तो अन्न जोगु डेथ हेतिले ता पई कि जहां भी वेलफेयर प्रोग्राम रे सुविधा अछि बा इन्सुरेंस रे प्रोग्राम रे माने तार बेनिफिट अछि सब जिनस विचार करनि हबो तेणु आम स्टागरिंगली अति सतर्कता सहित करुचे कौन सी लोक जमी कौन सी सुविधा वंचित न हुए समय सरचु बुलेटिन को एड सरचु मते विदा दियंतु नमस्कार।